सेल्फ मोटिवेशन का अर्थ होता है खुद को प्रोत्साहित करना। खुद को मोटिवेट करना ही सेल्फ मोटिवेशन कहलाता है। जीवन के किसी भी पड़ाव में आप जब भी खुद को तनाव से घिरा हुआ महसूस करें तो घबराने की कोई बात नहीं, बल्कि तब आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा होता है। इस संबंध में जानिए कुछ टिप्स। नंबर एक, खुद को प्रेरित करते रहना भी ज़रूरी है। आप उन बातों पर गौर करें जो आपको मोटिवेट करती हैं। यदि आपको गाना सुनकर मोटिवेशन मिलता है तो आप गाना सुनें। फिल्में देखने का शौक है तो फिल्में देखिए। घूमने का शौक है तो बाहर घूमिए। ऐसा करके आपका मन और मूड दोनों ही फ्रेश महसूस करेंगे। नंबर दो, जब तक आप अंदर से खुश नहीं होंगे आपका कोई काम सही से नहीं होगा। दिमाग पर हर समय एक बोझ सा महसूस होगा। जिंदगी में आशावादी सोच लानी होगी। मोटिवेशन और आशावादिता एक साथ चलती हैं। इसके लिए आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। खुश रहकर ही आप मोटिवेट रह सकते हैं और जीवन में सफलता पा सकते हैं। नंबर तीन, हर सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करने के लिए निकालें। मेडिटेशन दिमाग से सारे तनाव, चिंता आदि को दूर करने के लिए बेहद फायदेमंद और उपयोगी होता है। नंबर चार, हर कोई कभी ना कभी कमज़ोर पड़ जाता है। यदि आप सप्ताह के लिए अपने लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहते हैं तो इसे एक सबक के रूप में लें। अपने अगले लक्ष्य को समय से पूरा करने का प्रयास करें ताकि बचे हुए समय का उपयोग आप कार्यों को पूरा करने में कर सकें। इसीलिए असफलता पर ध्यान ना दें, बस इसे एक मानवीय घटना के रूप में स्वीकार करें और अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करना जारी रखें। नंबर पाँच, हर बार जब आप अपने साप्ताहिक लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं तो खुद को पुरस्कृत करना सुनिश्चित करें। यह एक लंबे कठिन सप्ताह के बाद आइसक्रीम के रूप में भी हो सकता है या आपकी सारी मेहनत के लिए स्पा जाना भी हो सकता है। जो भी पुरस्कार आपको मोटिवेट करे वही आपको खुद को देना चाहिए। इससे आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलती रहेगी। नंबर छः, अपने मन की प्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए आपको एक एक्सटर्नल गोल भी सेट करना होगा। आप जो कुछ भी हासिल करने का लक्ष्य रखते हैं उसे कैलेंडर पर मार्क कर लें। इससे आपको बार बार अपना गोल याद आता रहेगा। नंबर सात, कभी कभी सबसे दृढ़ निश्चय लोग भी अपना मोटिवेशन खो सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने लक्ष्य के पीछे भागते भागते खुद को ब्रेक नहीं दे रहे हों और इसीलिए ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हों। इसीलिए ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। यदि यह एक फिटनेस लक्ष्य है तो अपने सामान्य एक या दो दिन के आराम के बजाय शायद 3 या 4 दिन का आराम लें। यदि यह स्कूल में है तो अपना सारा काम एक ही सिटिंग में करने की कोशिश ना करें। नंबर आठ, हमारे आसपास परिजनों के अलावा भी बहुत सारे नेगेटिव लोग रहते हैं। यह पड़ोसी, क्लासमेट, दोस्त या रिश्तेदार कोई भी हो सकते हैं। ये खुद तो रोते ही रहते हैं, दूसरे को भी डीमोटिवेट करते हैं। ऐसे लोगों से सदैव दूर रहें। ऐसा नहीं है कि आपको जीवन में अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, पर आपको बुरे लोगों का साथ छोड़ना होगा। बुरे लोग लगातार आपको परेशान करते रहते हैं। यह आप पर भावनात्मक दबाव बना सकते हैं और आपको लक्ष्य से भटका सकते हैं। नासमझी के कारण जिंदगी के शुरुआती दौर में आपको हर तरह के लोगों का साथ अच्छा लगता है, पर बाद में आप खुद महसूस करने लगते हैं कि गलत संगत के कारण जीवन लक्ष्य से भटक जाता है। नंबर नौ, मेहनती और सफलता की चाह रखने वाले कंपटीशन को चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करते हैं। इससे मन में एडवेंचर की भावना भी पैदा होती है जो आपको बड़े काम करने के लिए प्रेरित करती है। इसीलिए चुनौतियों से डरने की बजाय उसके नज़दीक जाएं, उनके हर पहलू को बारीकी से समझें और उनका हल ढूंढते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें।
आपने चुनौतियों से पार पा लिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप जोखिम नहीं लेंगे तो खुद की ताकत को कैसे पहचानेंगे? कई बार असफल होने के डर से लोग जोखिम नहीं लेते। डरना छोड़िए, असफलता से आपको जितना नुकसान नहीं होता उतना जोखिम ना लेने और कोशिश ना करने से होता है। जिंदगी में जो जितना बड़ा रिस्क लेगा वह उतना ही ज़्यादा तरक्की करेगा। यह कई बड़े बिजनेसमैन भी कर चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद।